इंसानों की तरक्की और कामयाबी और खिदमत के लिए बनाई गई होती हैं। इनका मकसद सिर्फ यही इंसानों की खिदमत करना, और वो भी अपनी मर्ज़ी से, अपने रज़ाकारान, अपनी खुशी से, और नागहानी हालत से निमटने के लिए। नागहानी बुरे हालात, अचानक आ जाने वाले हालात जिसमें आफात भी होती हैं, सैलाब है, जलजला है, कहीं आग का लग जाना है, अचानक यानी हंगामी सूरत हाल में निमटने के लिए एक ऐसे ग्रुप को, ऐसे एक ऐसी पार्टी या एक ऐसी जमात को तैयार करती हैं जो किसी भी जगह पर अपनी खिदमात अंजाम दे सके, बाहौसला हो, हौसलेमंद हो, हौसले वाले हों, एतमाद वाले हों और मुस्तैद हों, हर वक्त तैयार हों। इनमें से एक ऐसी जमात स्काउट्स की है। ये नौजवान स्काउट्स जो हैं, जो बॉय स्काउट हैं, उनकी जो तंजीम है वो भी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। इसमें लड़के हों तो वो बॉय स्काउट और लड़कियां हों तो उन्हें गर्ल गाइड कहा जाता है, जो हमारा आज का मौजू है। स्काउट और गर्ल गाइड, स्काउट बॉय लड़कों की तंजीम और गर्ल गाइड लड़कियों की तंजीम, ये किसी भी मुआशरे में खासी अहमियत के हामिल होते हैं। यानी इन तंजीमों को बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये बुरे हालात में, एमरजेंसी के हालात में, अचानक आ जाने वाली नागहानी आफात में लोगों की खुद से मदद करते हैं और सरकारी अमले का हाथ बटाते हैं। यानी सरकारी जो काम करने वाले हैं, दफातर हैं, लोग हैं, स्टाफ हैं, उनके साथ ये भी पेश होते हैं, साथ होते हैं और उनके शाना बशाना काम करते हैं। मुल्क में मौजूद गर्ल गाइड की मदद और तआवुन के लिए मुल्की सतह पर एक तंजीम होती है, और ये जो तंजीम है गर्ल गाइड की, ये मुल्की सतह पर है। यानी तमाम मुल्क की एक बड़ी तंजीम है और उसका नाम है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स। ये पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद थी और उसका नाम था इंडियन गर्ल गाइड, लेकिन फिर क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स रख दिया गया। और ये कब बनी ये तंजीम, 1948 में पाकिस्तानी एसोसिएशन जो है ये 1948 में वर्ल्ड एसोसिएशन का मेंबर बनी। यानी जो आलमी सतह पर गर्ल गाइड की तंजीम है उसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट्स। ये आलमी सतह पर है, यानी दुनिया की सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और पाकिस्तान की जो है उसका नाम है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड, पैग, PAGG, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड। तो पाकिस्तानी तंजीम जो है ये 1948 में वर्ल्ड की जो तंजीम है उसका मेंबर बन गई, और इसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है, और फिर इसके जो छोटे दफातर हैं हर शहर में इसका दफ्तर भी मौजूद है। और इसमें बताया कि इसके मेंबरों की जो तादाद है वो लाखों में है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स एक आलमी सतह पर काम करने वाली तंजीम है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर। और इसकी बुनियाद जो है, ये जो दुनिया की वर्ल्ड जो एसोसिएशन है, इसकी बुनियाद 1928 में सर रॉबर्ट बेडन पॉल ने रखी, और इसकी मौजूदा जो सरबराह हैं वो मार्गरेट टेलर हैं, और इंग्लैंड के शहर लंदन में ये इसका हेड क्वार्टर है जो वर्ल्ड का है। और 145 मुल्कों की गर्ल गाइड की तंजीमें इसका हिस्सा हैं, इसके मेंबर्स बन चुके हैं। 145 मुल्क मुंसलिक हैं, यानी इससे जुड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में इस तंजीम के मेंबरों की कुल तादाद तकरीबन 1 करोड़ है। गर्ल गाइड्स एसोसिएशन एक गैर मुनाफा बख्श और गैर सरकारी तंजीम है, यानी ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, गैर सरकारी तंजीम है और गैर मुनाफा बख्श है।
जिसका बुनियादी यानी इसमें उजरत और मुआवजे के बगैर लोग अपनी खुशी से रजाकाराना तौर पर लोगों की खिदमत के लिए काम करते हैं। और इस तंजीम का मकसद लड़कियों और नौउम्र ख्वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। लड़कियों और नौउम्र जो नौउम्र ख्वातीन हैं, जवान कम उम्र की लड़कियां जो हैं, उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। गर्ल गाइड्स की तंजीम में बग़ैर किसी नस्ली लिसानी और अलाकाई तासुब के शमूलियत की जा सकती है, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हर इंसान के लिए, हर मुल्क के लिए, कोई नस्ल का, किसी ज़ुबान का या इलाके का इसमें कोई तखस्सुस नहीं है कि किसी ख़ास इलाके के लिए है, किसी ख़ास नस्ल निसान के लिए है, बल्कि यह हर एक के लिए है। किसी भी मुल्क की लड़कियां इसमें, इस तंजीम में हिस्सा ले सकती हैं। ये तंजीम 6 से 21 साल की बच्चियों को तालीम, सेहत, हुनरकारी और मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए तैयार करती है। गर्ल गाइड एक छोटे ग्रोह में काम करती है, इसलिए इनमें एतमाद पैदा होता है। यानी 6 साल से शुरू होती है इनकी बच्चियों की तालीम, 6 से 21 साल तक की उम्र की हद है इसमें कि जिनको जिनके काम आती है ये। गर्ल गाइड की तंजीम का मिशन मकसद क्या है? लड़कियों और नौजवान औरतों को तरक्की के मौके फराहम करना ताकि वो पुरएतमाद, मुहिब वतन और कानून का एहतराम करने वाले के रूप में उभर सके और अपने घर और मुल्क कौम के लिए अपनी खिदमात और फ़राइज सही तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो इनका बुनियादी मकसद, तंजीम का जो मकसद है, वो लड़कियों और नौजवान औरतों को तरक्की के मौके देना, इसलिए कि वो मुआशरे में एक मुहिब वतन शहरी बने, एतमाद वाली हों और कानून का एहतराम करने वाली बन सकें और फिर अपने घर के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमात और फराइज अच्छे तरीके से पूरे कर सकें। ये जो है, ये इसका बुनियादी मकसद है। आगे देखते हैं कि गर्ल गाइड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है उम्र के लिहाज से। पहली किस्म है जूनियर गाइड। जूनियर 6 साल से 11 साल की लड़कियां हैं इसमें आती हैं। फिर तस्वीर में दिखाई गई हैं कि ये जूनियर गर्ल गाइड्स हैं और इनकी वर्दी है सफ़ेद। और जूनियर गाइड इन बातों का वादा करती है कि वो बड़ों का कहा मानेगी, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचेगी और अपने अंदर रोज़ाना कोई अच्छी खूबी पैदा करने की कोशिश करेगी। ये इनके मकासद और इनके अहद हैं। इसे नीली चिड़िया भी कहते हैं, यानी छोटी जो है जूनियर गाइड जो है उनको नीली चिड़िया। इसके बाद सेकेंड नंबर पर दूसरी किस्म जो है गर्ल गाइड है, 11 से 16 साल की। इसकी भी तस्वीर आप देखें और इनकी भी जो है यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है, इसकी तीसरी किस्म है सीनियर गाइड, 16 से 21 साल की। 21 साल तक जैसे हमने पढ़ा कि इसमें गर्ल गाइड्स जो हैं वो शामिल होती हैं। ये इनके तमाम मुख्तलिफ वर्दियों के साथ मुख्तलिफ तस्वीर हैं। अच्छा, खसूसियात क्या होनी चाहिए और कौन जो है वो गर्ल गाइड बन सकता है, कौन गाइड बन सकता है और कौन इसमें हिस्सा ले सकता है? गर्ल गाइड काबिले एतमाद होती है, वो मुल्क और कौम की वफ़ादार होती है और दूसरी गाइड के लिए एक बहन की तरह होती है, नर्म खू यानी अच्छी नर्म आदात वाली और दूसरों का ख्याल रखने वाली, दूसरों में शहरी की हैसियत से आए जिम्मेदारियों को अदा करने का एहसास बेदार करती है, जानवरों के लिए भी नर्म दिल होती है, जानदारों का भी ख्याल रखती है, बड़ों की मुअद्दब अदब करने वाली होती है, दूसरों के लिए मददगार होती है, हौसला मंद होती है, मुश्किल वक्त में जिंदा दिली का मुजाहरा करती है, किफ़ायत शियार होती है, अपनी और दूसरों की इमलाक का ख्याल रखती है, इसके काम उसके अल्फाज से मुताबकत रखते हैं। ये सारी खूबियां हैं इसके अंदर, यानी एक गाइड जो है उसमें ये तमाम आदात होती हैं, वो इन तमाम सिफात की मालिक होती है।
गर्ल गाइड की तंजीम का मकसद शहरों और गांव की नौजवान ख़वातीन और बच्चियों की महारतों सलाहियतों को फ़रोग देकर बढ़ा कर उनके तरक्की देकर मुआशरे में उन्हें एक फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार करना, यानी कि वो बेहतर काम अदा कर सकें। उनकी सलाहियतें, उनकी महारतें, जो उनके अंदर खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको मज़ीद पॉलिश करके, उनको इजाफा करके, उनमें उनको तरक्की देकर उनको मुआशरे में सामने लाती हैं ताकि वो अच्छा किरदार अदा कर सकें। किसी भी मुआशरे में गर्ल गाइड की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, साबित है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त पर अपने हमवतनों की मदद करती हैं और किसी से पीछे नहीं रहती। इसलिए चाहिए कि उन्हें बेहतरीन वसाइल फराहम किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों की तालबात को ऐसी तंजीमों में शामिल होने की तरगीब देनी चाहिए। ये तमाम जो है तरगीब देनी चाहिए, उन्हें तैयार करना चाहिए, उकसाना चाहिए, माइल करना चाहिए कि इस तरह की तंजीमों में हिस्सा लेकर वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। आखिर में बकौल शायर, हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, यानी दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। जैसे शुरू में मकूला हमने पढ़ा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, बात तो तब है कि जब दूसरों की मदद के लिए या दूसरों के लिए जिया जाए। तो इसका मकसद ये है, गर्ल गाइड का मकसद भी रज़ाकाराना तौर पर, इस तंजीम का मकसद अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर किसी उजरत के, बग़ैर किसी मुआवजे के, दूसरी ख़वातीन और नौउम्र लड़कियों की मदद करना, उनकी खूबियों, उनकी महारतों, उनकी सलाहियतों को उजागर करना और मुआशरे में उनको सामने लाना, ये इस तंजीम का मकसद है। आगे इसकी एक्सरसाइज, गर्ल गाइड कौन होती है, ये हमने पढ़ा कि कौन होती है। गर्ल गाइड एक तंजीम है, तंजीम में इस तंजीम का मिशन क्या है, नौजवान औरतों और लड़कियों को उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना, उनकी तमाम खूबियों को उजागर करना ताकि वो मुआशरे में आला मुकाम हासिल भी करें और आला किरदार भी अदा करें। फिर आगे पाकिस्तान में गर्ल गाइड्स का काम करने वाली तंजीम का नाम हमने पढ़ा, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड, पैग। गर्ल गाइड का मिशन अभी मैंने आपको बताया है। गर्ल गाइड को उम्र के अतबार से तीन किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली किस्म जूनियर गाइड और जो भी हमने पढ़ी हैं, गर्ल गाइड और सीनियर गाइड। गर्ल गाइड की कोई सी तीन खसूसियात ऊपर हमने पढ़ी कि वो जानदारों के लिए, जानवरों के लिए, दूसरों का ख्याल रखने वाली, बड़ों की मुअद्दब यानी अदब करने वाली, फर्मा बरदार, दूसरों के लिए मददगार, हौसला मंद, मुश्किल वक़्त में ज़िंदा दिली का मुजाहिरा करने वाली और किफ़ायती शियार होती है। ये सारी खूबियाँ गर्ल गाइड की हैं। गर्ल गाइड के कोई से तीन अहद लिखें, यानी वो किस चीज़ का वादा करती हैं कि वो क्या करेंगी। ये भी हमने पढ़ा कि वो दूसरों से पहले अपने आप के बारे में सोचने से पहले दूसरों का ख्याल करेंगी, दूसरों का सोचेंगी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स की बुनियाद कब और किसने रखी, ये भी हमने पढ़ा कि 1928 में वर्ल्ड एसोसिएशन बनी और सर रॉबर्ट बेर्डन पॉल ने इसकी बुनियाद रखी। ये इसमें से आप खुद करेंगी मौजूद तरीन जवाब का इंतखाब। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लफ्ज़ या हर्फ़ जिसको किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से कोई नया लफ्ज़ बन जाए उसे साबका कहते हैं। शुरू में लगाने से यानी साबका, जैसे अखलाक के शुरू में खुश लगाने से खुश अखलाक बन जाता है, तो खुश को साबका कहेंगे। साबका यानी जो पीछे आ रहा है और उसके आगे जो अगला लफ्ज़ है वो अखलाक, तो खुश अखलाक साबका। आप दर्ज़ैल साबकों की मदद से तीन तीन अल्फाज बनाएं, यक अहल खुश साहिब, यक जुबान
यक दिल, यक जां, अहल, अहले दिल, अहले नज़र, अहलो अयाल, अहले वतन, खुश, खुश अखलाक, जैसे अभी आपने पढ़ा, खुश शक्ल, खुश लिबास, साहिब, साहिब और बद, साहिब इख्तियार, आगे है बद, बद अखलाक। फोर्थ क्वेश्चन, वो लफ्ज़ या हर्फ जिसको किसी दूसरे लफ्ज़ के बाद लगाने से कोई नया लफ्ज़ बन जाता है उसे लाहका कहते हैं। मसलन सेहत के बाद अफ़ज़ा लगाने से सेहत अफ़ज़ा बन जाता है। कॉलम अलिफ़ में चंद अल्फाज दिए गए हैं जबकि कॉलम बे में लाहिके दर्ज हैं, तो इनको मिलाना है। लाहिके, साबका पढ़ा पहले हमने, अब ये है लाहिका। साबका यानी जो पीछे उसके हो, जैसे अभी यक ज़ुबान, अहले नज़र, खुश अखलाक, साहिब इख्तियार, बद अखलाक, ये पीछे हैं और इसके आगे लफ्ज़ हमने जो लगाया है तो ये साबके। लाहिका आगे आने वाला, आगे आने वाला, साथ मिलाने वाला। अफ़ज़ा, सेहत अफ़ज़ा, आगे हमने लफ्ज़ लगाया है तो ये हो गया लाहिका। हैरत अंगेज़, दुकान दार, ज़रूरत मंद, जान सोज, आलमगीर, ये लाहिके बन गए। आगे है अगला क्वेश्चन, ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल इस कहावत या जुमले को कहते हैं जो बार बार के इस्तेमाल से ख़ास मानों में मशहूर हो जाए। ज़रबुल मिसल, मसलन अंधों में काना राजा वगैरह। ज़रबुल मिसल की तारीफ़ क्या है कि उस कहावत या जुमले को कहते हैं जो बार बार के इस्तेमाल से ख़ास मानों में मशहूर हो जाए, वो ज़रबुल मिसल कहलाती है। मिसाल इसमें अंधों में काना राजा दी है। कॉलम अलिफ में ज़रबुल अम्साल है जो दूसरे से मिलानी है, मीनिंग इसके दिए गए हैं। किसी मुसीबत को खुद दावत देना, उसके लिए हम क्या कहते हैं, आबैल मुझे मार, ये ज़रबुल मिसल है। अच्छा काम करके भुला देना, इसके लिए ज़रबुल मिसल कौन सी इस्तेमाल होती है, नेकी कर दरिया में डाल। बातूनी लोग अमलन कुछ नहीं करते, बातूनी लोग जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। गलती के बाद पछताना बेकार है, अब पछताए क्या हुवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। हमेशा ताकतवर की मर्जी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे ज़रबुल अम्साल हैं और इनके मानी हैं। ये हमारा आज का गर्ल गाइड का पांचवा चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है।